अनुराग भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां बनी उसमें उत्तर प्रदेश में, आज मैंने जितने चैनल पे देखा सब लोग आपसे यही, फोनो भी लेना है हमको सवाई माधोपुर पर, अगर आप ब्रीफ कर दें उनको तो फोनो भी हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, मुझे बताइए कि जिस पार्टी का नेता ये कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, अगर आप जैसे कार्यकर्ता डंडे भी खा लेंगे तो परसेप्शन क्या सुधरेगा आपकी पार्टी का? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं उस बात पे भी आऊंगा। मैं नहीं ये बोलना चाहता कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बोला था कि इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं होता है। अगर वो टीवी आपका देख रहे होंगे, जरूर आपका देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा भारत में ही रेप हो रहा है। वो इंडिया में कहते थे रेप होता है, भारत में नहीं होता है। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाही, जनरल डायर, आपने सुना, जनरल डायर से भी ज्यादा फगुआ कपड़े में मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति और संस्कार के बारे में पता नहीं हो। एक बच्ची जिसको माँ पैदा करके बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, और उसको बिना उसका मुंह देखे आप रात को 3 बजे उसके शव को पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये तो जनरल डायर के समय हो सकता था, सारा गांव चारों तरफ से सील हो गया, माँ बाप को घर के अंदर बंद कर दिया गया, बेटी को पेट्रोल से उसका दाह संस्कार कर दिया गया। और हम जब गांधी जी की प्रतिमा पे जाते हैं, शांति से चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उसमें भी डर है, खीस है, परेशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है। हम डायलॉग नहीं दे रहे, ये एनसीआरबी का डाटा है, और लगातार 2 महीने गलत डाटा आपके पास, 2019 का डाटा नहीं है आपके पास। अनुराग सुन तो लीजिए, आपका 2019 का डाटा नहीं है, दिखाऊंगा मैं, अभी दिखाऊंगा, चिंता नहीं, दिखाऊंगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर आप डंडे भी खा लेंगे, मैंने आपको मौका दे दिया, आपके पॉइंट वैलिड है, मैंने भी वो पॉइंट उठाए, आप डंडे भी खा लेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी का ये परसेप्शन सुधर जाएगा कि उसके सबसे बड़े नेता ने कहा, उसके सबसे बड़े नेता ने कहा लड़कों से गलती तो हो जाती है? 40 अगर मैं 40 मिनट इंतजार करूंगा तो 1 मिनट तो बोलने दीजिए कम से कम। मैं मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। नहीं नहीं, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं, यही मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कोई बच्ची कमजोर घर की होगी, गरीब होगी, दलित होगी, अगर उसके साथ कुछ भी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? लेकिन किसी का नाम है, पैसा है, शोहरत है, ताकत है, अगर उसकी दहलीज को बुलडोजर थोड़ा सा झटका दे देगा तो उसको वाइस सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये बस वही भारत की बेटी होगी जिस पर संपन्नता होगी, गरीब होगी तो उसके लिए क्या होगा? उसकी जिंदा लाश, उसकी लाश को जला दिया जाएगा, पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा, कोई सांस नहीं लेगा, कोई ट्वीट नहीं है। कहां स्मृति ईरानी जी? सर आपको तो ट्वीट करना चाहिए, लड़कों से गलती हो गई, आपको तो ट्वीट करना चाहिए, हाथरस में लड़कियों से गलती हो गई। आप ये भाई पार्टी के परंपरा को मानते हुए आपको ट्वीट करना चाहिए ना, अनुराग भदौरिया जी, आपको ट्वीट करना चाहिए ना, लड़कों से गलती हो गई। लखीमपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे लखनऊ के 5 साल की बच्ची की घटना हो, आप असल ट्वीट तो कर ही नहीं रहे, आप डंडे खा रहे हैं। गोरखपुर में जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे वहाँ बच्ची के साथ अन्याय हो, चाहे लखीमपुर में हुआ हो। चलिए मैं रोकता हूँ, अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे।